नवम श्रेणी हिंदी आज आम एक सुंदर कविता पढ़वा जो थी एक सुंदर कहानी अच्छी तो शीर्षक ना है प्रियतम जार कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। तो उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं से शुरू हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा था, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। वो हमेशा संघर्ष करते रहे, जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और वे बड़े स्वाभिमानी थे। वे हिंदी, संस्कृत, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे, संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया था। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्यों का विषय बनाया था। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा वो विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन दुखी पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की थी उन्होंने। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। तो उनकी कविता में एक सुंदर कहानी है, चलो हम कहानी सुनते हैं। कहानी यही पूरी अच्छी। दिने विष्णु पाखक नारद जाई पचारे प्रभु संसार रे आपणकर प्रधान तथा प्रिय भक्त किए। भगवान विष्णु उत्तर देले जे जड़े उत्तम कृषक, जड़े भल कृषक तंकर प्राण ठारु अधिक आपणार। नारद तंकर परीक्षा नेबाकु कहिले। भगवान विष्णु यह शुणी हसी हसी कहिले जे तुम्हें परीक्षा नहीं पार। नारद भक्त पाखक जाई देखिले जे से खरा बेले हल धरी घर को फेरिला। घरे पहुंची प्रभुंकर नाम नेला। स्नान भोजन सबु सारी पुनर्बार काम को चली गला। संध्या समय रे घर को फेरी पुणी प्रभुंकर नाम नेला। प्रातः काल रे पुणी थरे प्रभुंकर मधुर नाम को स्मरण कला। दिन राति मुनि ऋषि माने भगवान को ध्यान करुथिबा बेले मात्र दिन को तीन थर प्रभुंकर नाम जपी कृषकटी एते आपणार हेथिबारु नारद विस्मित होइ पड़िले। से विष्णु लोक जाई भगवान को कहिले, देखंतु प्रभु, कृषकटी दिन को मात्र तीन थर नाम जप करुछि। प्रभु विष्णु नारद को कहिले, हे नारद, एक जरूरी काम आसी जहाँ तुम बिना केही करि पारिबे नाही। एही साधारण विषय रे आमे परे तर्क बा परे चर्चा करिबा, मात्र ताहा पूर्वरु एही जरूरी कामटी को तुम्हें पूरा करि दियो। आउ से जरूरी काम कौन थिला ना, प्रभु गोटे तैलपूर्ण पात्र देले, आउ तैलपूर्ण पात्रटी नहीं सारा विश्व को बुली आसिबा पई कहिले। आउ कहिले जे जेपरी ध्यान रखिथिबो एथिरु बुंदे हेले तेल तले पड़िबो नाही। महात्मा नारद तैलपूर्ण पात्र को धरी एक लयरे चलिले जिपरिकी बुंदे हेले तेल तले पड़िबो नाही।
खूब शीघ्र योगिराज देवश्री विश्व परिभ्रमण कर वैकुंठपुर को फेरी आसिले। पात्ररु बुंदे हेले तेल मध्य तले पड़िला नाही। खुशी रे नारद भावुथिले जे एही तेलर रहस्य एक नवीन तथ्य नूतन तथ्य प्रदान करिवो। भगवान विष्णु नारद को देखी पाखरे आदर सहित बसाई कहिले, तैलपूर्ण पात्र नहीं जीवा समय रे केते थर इष्टंकर वा प्रभुंकर नाम जपिछ कुह। नारद शंकार सहित भगवान विष्णु को कहिले जे से थरे भी भगवान को नाम जपि नहांती, कारण भगवान को कामरे से जाइथिले जेउथिरे कि तांकर मन ध्यान लागि रहिथिला, अर्थात से तैलपूर्ण पात्र पर तांकर ध्यान लागि रहिथिला, तेणु से नाम जपि पारिले नाही। शेषरे भगवान विष्णु नारद को कहिले सही कृषक को मध्य से काम देइछन्ति, बहुत किछि दायित्वता उपरे न्यस्त करिछन्ति, जहाँ कृषक को पूरा करिबा को पड़िबो, सेथिपाय से सर्वश्रेष्ठ भक्त, कारण से काम करि मध्य तांकर इष्ट बा प्रभुंकर नाम को तीन थर स्मरण करुछि। परिशेषरे नारद लज्जित हो एहा सत्य बोली स्वीकार करिथिले। तो एहा थिला एक सुंदर गल्प जहाँकू कविता माध्यम रे लिखिछंती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।